हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। सो आज मैं जिस टॉपिक पे लाइव आई हूँ, बहुत डिमांडिंग टॉपिक है कि स्किन को कैसे ग्लो रखा जाए, स्किन को कैसे ग्लो करें, स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आज हम टोटली डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिससे आप अपने स्किन को ग्लॉसी ग्लोइंग रख सकते हो। घर की रेमेडी से, घर की चीज़ों से, अपने किचन के इंग्रेडिएंट से आप अपने स्किन को हेल्दी कैसे रख सकते हो, ग्लोइंग कैसे रख सकते हो, ग्लॉसी कैसे बना सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट्स को लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, सो घर के इंग्रेडिएंट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। सो आज हम टोटली उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कौन सी चीज़ें आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें आप लो जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाए, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाए, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है जिससे आपका स्किन जो है वो ग्लॉसी हो और उसमें शाइनिंग बहुत अच्छे से आए। ओके, सो हम वन बाय वन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है उसमें सैफ्रन टी। सैफ्रन टी क्या होती है? सैफ्रन टी आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको उसकी रेमेडी चाहिए तो आप मेरे YouTube पे देख सकते हो। भले आपको क्या लेना है, थोड़ा सा केसर लेना है, सैफ्रन लेना है, उसको पानी में बॉईल करना है, थोड़ा सा सिनेमन डालना है, तो आपकी सैफ्रन टी जो है वो रेडी हो जाएगी। सैफ्रन टी लेने से आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ग्लो आता है, आपकी स्किन में ब्लेमिशेज आते हैं, बहुत अच्छे से ग्लोइंग करनी स्टार्ट हो जाती है। सो अपनी डाइट में सैफ्रन वाटर या सैफ्रन टी ज़रूर इंक्लूड करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं खूब सारे विटामिन एंड मिनरल्स। सो विटामिन एंड मिनरल्स के अलग से सप्लीमेंट्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खूब सारी सब्जियां खाएं, 5 से 6 तरह की सब्जियां अपने ब्रेकफास्ट में, अगर आप चीला ले रहे हो, सैंडविच बना रहे हो, जो भी पोहा ले रहे हो, जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो, उसमें खूब सारी सब्जियां इंक्लूड करें, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, अपने हर मील में आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जियां इंक्लूड करनी है। उससे भी आपकी बॉडी इंटरनल से डिटॉक्स होगी और ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो आप डे बाय डे आप देखोगे उसको खूब नरिशमेंट मिलेगी और ऑटोमेटिकली वो ग्लोइंग करना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बीटरूट डिटॉक्स। बीटरूट डिटॉक्स जो होता है वो आपकी स्किन के लिए अमेजिंग ड्रिंक है। अगर आप लोग बीटरूट जूस या सैलेड नहीं ले पा रहे हो तो बीटरूट डिटॉक्स वाटर जरूर ट्राई करो। आपको 1 लीटर डिटॉक्स लेना है, 1/4 बीटरूट लेना है, उसके छोटे छोटे से स्लाइसेस कर लेने हैं और उसको पानी में इन्फ्यूज करके रख देना है कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद उसको आपने क्या करना है, स्टेन करके रखना है। आप उसको एज इट इज़ भी कंज्यूम कर सकते हो बीट को साथ में, या उसको स्टेन भी कर सकते हो। तो आपको ये वाटर जो है वो ग्लास के जार में बनाना है और शाम के 6 बजे से पहले पहले इस वाटर को आपको फिनिश करना है। बीटरूट डिटॉक्स वाटर जो होता है वो आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग रखता है, इंटरनल से साफ करता है और आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों को होता है ना कि मेरी स्किन नेचुरली ग्लोइंग करे, उसमें रेडिश दिखे, तो उन लोगों के लिए बीटरूट वाटर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज ओमेगा 3। जैसे फिश ऑयल है, आप उसका कैप्सूल भी ले सकते हो, हेल्थ सप्लीमेंट भी ले सकते हो, या फिर आप वॉलनट ले सकते हो, शिया सीड्स ले सकते हो, बेसिल सीड्स ले सकते हो, बेसिल सीड्स का वाटर, इसको हम सब्जा बीज भी बोलते हैं, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इनके थ्रू भी लोगे तो भी आपको ओमेगा 3 बहुत अच्छा मिलेगा, स्पेशली जिन लोगों को रिंकल्स रहते हैं, फेस पे एक्ने रहता है, फेस के रिगार्डिंग या हेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू है, तो उनके लिए ओमेगा 3 जो होता है वो बेस्ट सप्लीमेंट है। अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो जैसे मैंने बोला, आप सीड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, सब्जा सीड्स, शिया सीड्स हो गए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, या फिर आप वॉलनट्स ले सकते हो, गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है, वो आपके हेयर के लिए, आपके जैसे स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट थिंग इज बाहर के जितने भी पैक्स आते हैं आपको उनको अवॉइड करना है। होममेड पैक्स आप यूज़ करें, मुल्तानी मिट्टी का पैक आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा शहद इंक्लूड करें और थोड़ा सा नीम का पाउडर इंक्लूड करके आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर आप स्क्रब यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपका होममेड होना चाहिए। कॉफ़ी और चीनी को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो, टमाटो या चीनी को मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो, अपनी स्किन के लिए रेमेडीज यूज़ करो या कोई भी चीज़ अप्लाई करो, वो आपकी होममेड होनी चाहिए, बाहर की नहीं। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्रोडक्ट्स ही होते हैं, सो अगर आप घर की चीज़ें जितनी इस्तेमाल करोगे उतनी ही आपकी स्किन और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट थिंग इज टोनर। टोनर भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप टोनर में रोज़ का टोनर आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अमेजिंग लेके आएगा। सो अगर आपको स्क्रब बनाना है तो आप मेरा ओट्स का स्क्रब ट्राई कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है एंड कई लोगों की पिगमेंटेशन भी दूर हुई है। सो अगर आपको भी स्किन के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो ओट्स और नीम का स्क्रब मैंने एक शेयर
किया हुआ है तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपको भी अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज ड्रिंकिंग वाटर। वाटर बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको वेट लॉस करना है, स्किन के लिए चाहिए या हेयर्स के लिए हो, आपकी बॉडी में हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। जितनी आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी उतनी ही आपकी स्किन अच्छी होगी, उतनी ही आपकी बॉडी में से बैड टॉक्सिन्स जो होंगे वो रिमूव होंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग और ग्लॉसी होते जाएगी। सो मेक श्योर 8 से 10 ग्लासेस पानी आपको डेली के पीने ही पीने हैं। इस चीज़ों की आपको लिस्ट बना के रखनी है। अगर आप इसको ट्राई करोगे आपको 101% बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल वाटर नहीं पी सकते हो तो आपको क्या करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिटॉक्स वाटर भी ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, उससे आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अपनी डाइट में जितना हो सके लेस कैफीन लेना है, उसकी बजाय जैसे चाय कॉफी अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हो तो उसको थोड़ा सा कम करना है। आप 1 से 2 कप तक ले सकते हो बट उससे ज़्यादा आप ना लें। मेक श्योर आप उसके साथ उसके बजाय आप लोग हर्बल टीज ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे टीज़ की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, कलौंजी टी, सौंफ टी, हर्बल टीज़ हैं, जिंजर टी है, टर्मरिक टी है, तो आप उसमें से कोई भी टी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। एक तो आपकी वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करती है, फैट लॉस में भी, आपकी स्किन को भी ग्लोइंग और ग्लॉसी रखेंगी और उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होने स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज मेन पॉइंट, हम लोग फेशियल्स करवाने के लिए पार्लर्स में या सैलून्स में जाते हैं बट आपको क्या करना है, आपको मसाज, बेसिकली मसाज तो होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है जिससे आपका फेस जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करता है। रात को सोने से पहले आपको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, फिंगर से मसाज देनी है, छोटी छोटी फिंगर्स आपको लेनी है और उसको अच्छे से हर आपके जो फेस का पार्ट है उसको रोटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको मसाज ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। ओके, सो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपको डार्क सर्कल्स ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज अपनी डाइट में जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं, मैदा है, ये सब चीज़ें आपको कट ऑफ करनी है बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है वो सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर लें बिकॉज उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो हमारे जैसे बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए या फिर डिफरेंट डिफरेंट सीड्स होते हैं, उसमें ओमेगा रिच होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें हेल्दी फैट्स होती हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो अगर आपको स्किन ग्लोइंग चाहिए तो इन सब चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को, सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप स्मूदीज भी ट्राई कर सकते हैं जिसकी मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी आपकी स्किन को ग्लोइंग और ग्लॉसी रखेगी और आपके वेट लॉस तो आपको ऐसे गिफ्ट मिल जाएगा अगर आप इन सब छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान भी देते हो तो। नेक्स्ट थिंग इज इसके अलावा आपको एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है जिसमें मेक श्योर कि अगर आप अपनी स्किन अच्छी चाहते हो तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी जो स्किन अच्छी करने के लिए कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होना ज़रूरी है बिकॉज जब तक आप इंटरनल से हेल्दी नहीं होगे, एक्सटर्नल से आप कुछ भी अप्लाई कर लो, कुछ भी चीज़ें लगा लो तो ऑटोमेटिकली ग्लो नहीं आता है, वो सिर्फ मेकअप का ग्लो दिखता है। सो इसके लिए आपको जितना हो सके इंटरनल के लिए आपको जितना हो सके हेल्दी फूड लेना होता है, खूब सारी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, फ्रूट्स लें, बीटरूट लें जो आपके लिए बहुत अच्छा है, सैलड्स लें वो आपके लिए बहुत अच्छा है, खाने से पहले खूब सारा पानी पिए, डिटॉक्स ड्रिंक्स लें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। जितने भी पैक्स हैं, स्क्रब्स या फिर आप टोनर्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसको होममेड यूज़ करें और अपने फेस को डेली मसाज ज़रूर दें जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपकी स्किन के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज भी होते हैं और भी आपको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, उससे आपकी स्किन में 100% रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए बाय, टेक केयर।